हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे लेक्चर नंबर 3 ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। विद द प्रीवियस आई हैव डिस्कशन ऑफ पावर डायोड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। टुडे डिस्कशन ऑफ आईवी कैरेक्टरिस्टिक, मींस पावर डायोड कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ टू वर्क एंड एप्लीकेशन। ओके, सो दिस इज आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड। Here y axis is a forward voltage and x axis is forward current, reverse voltage. Okay, so this is characteristic in the forward current to rise linearly with the increase of forward bias voltage. Okay, so two parameters given in characteristic. Okay, current and voltage. Okay, so current have a two parts, forward current and reverse current, and voltage have a two parts, forward voltage and reverse voltage. ओके, सो फॉरवर्ड वोल्टेज कहाँ पे है? फॉरवर्ड वोल्टेज है यहाँ पे, हियर फॉरवर्ड वोल्टेज, हियर फॉरवर्ड करंट। देन फॉरवर्ड करंट विल राइज व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड हाई। ओके, सो फॉरवर्ड करंट कब हमारा बढ़ेगा, राइज कब होगा? राइज मीन बढ़ेगा, सब इंक्रीज इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। ओके, रेदर देन इंक्रीजली एक्सपोनेंशियली। आप देख रहे हो यहाँ पे, इधर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे। ओके, सो लीनियरली बढ़ रहा है, कब? जब फॉरवर्ड करंट हमारा बढ़ रहा है तब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज भी हमारा बढ़ रहा है। ओके, सो द ऑन स्टेट वोल्टेज अक्रॉस द पावर डायोड इज हायर देन 1 वोल्ट, विच इज रेदर देन द ऑन स्टेट वोल्टेज अक्रॉस द लो पावर डायोड। ओके, सो ऑन स्टेट में हमारा क्या होगा, 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तब डायोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा या करंट होगा वो बढ़ेगा। ओके, सो मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ n माइनस ड्रिफ्ट लेयर। हमने पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में, n माइनस ड्रिफ्ट लेयर वो बीच में था। इसके हिसाब से क्या होगा, जो भी हो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसलेट होती है वो बढ़ जाएगी। ओके, सो पावर डायोड रिवर्स बायस अ वेरी स्मॉल लीकेज करंट फ्लो थ्रू द लीकेज करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज। ओके, सो रिवर्स हमारा जो करंट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज जितना होता है। ओके, क्योंकि इसमें कुछ होता कुछ भी होता है, जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा रिवर्स करंट, देख रहे हो आप यहाँ पे कांस्टेंट रहता है सीधी लाइन में इधर। ओके, जब हमारा कुछ ऐसा पॉइंट आएगा नी वोल्टेज, तो वहाँ से क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन मीन्स रिवर्स में हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, रिवर्स करंट से हमारा इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मीन्स कुछ निर्भर नहीं रहता, हमारा रिवर्स करंट जो होता है वो निर्भर नहीं रहता रिवर्स वोल्टेज पे। देख लो यहाँ पे एक्स एक्सिस में अलग अलग वोल्टेज हमारा बढ़ता रहता है बढ़ता है, लेकिन करंट पे किसी कुछ असर नहीं होता। लेकिन ऐसा एक पॉइंट आता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज का, यहाँ पर एक पॉइंट आता है नी पॉइंट, NEEE नी पॉइंट आता है, वहाँ से रिवर्स ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो रिवर्स वोल्टेज रीसेट रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VBBD रिवर्स ब्रेकडाउन टेक प्लेस एंड रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस रिमेन कॉन्स्टेंट वेयर रिवर्स करंट इंक्रीज ड्रास्टिकली। ओके, ड्रास्टिकली मीन्स एक मेनली हाई, ड्रास्टिकली मीन्स सडनली इंक्रीज। ओके, ड्रास्टिकली मीन्स सडनली इंक्रीज, यहाँ पर देख सकते हो सडनली इंक्रीज हो जाता है ये। ओके, एक पॉइंट है रिवर्स ब्रेकडाउन, वहाँ से हमारा जो रिवर्स करंट होता है ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, देख रहा है। ओके, सो पावर डायोड वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द लार्ज हैवीली व्हेन ब्रेक अकर्स पावर डिसिपेशन विल बी हाई विच कैन डिस्ट्रॉय डिवाइस। ओके, सो वोल्टेज एंड करंट लार्जली हैवीली ब्रेकडाउन अकर्स। ओके, जब हमारा ब्रेकडाउन होता है तब क्या होता है, तब हमारा हैवीली वोल्टेज ड्रॉप वहाँ पर होता है। ओके, जब यहाँ से न्यू वोल्टेज आता है तब हमारा सडनली ड्रास्टिकली रिवर्स करंट बढ़ता है। जब रिवर्स करंट बढ़ता है सडनली, तो क्या होता है, हमारा हमारे डिवाइस में क्या होता है, पावर डिसिपेशन बढ़ जाता है, तो फेलर के चांस भी बढ़ जाते हैं डायोड की। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ पावर डायोड, ये था उसकी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स उसका हम किस तरह से वर्किंग हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉरवर्ड में और रिवर्स में। फॉरवर्ड में क्या था, लीनियरली था, और रिवर्स में क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स करंट
विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स वोल्टेज। ओके, जब हमारा एक पॉइंट आता है तब हमें ड्रास्टिकली रिवर्स करंट बढ़ जाता है, अदरवाइज वो क्या रहता है, रिवर्स करंट कांस्टेंट रहता है। ओके, अब आता है एप्लीकेशन ऑफ डायोड। डायोड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। ओके, सो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर मीन्स, रेक्टिफायर आपने पढ़ा होगा डिप्लोमा में या थर्ड सेमेस्टर में, रेक्टिफायर करता क्या है, तो रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एसी का हम डीसी में कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं, वन टाइप ऑफ कन्वर्टर। ओके, सो वन टाइप ऑफ कन्वर्टर यूज़ ऑफ अ रेक्टिफायर। जनरल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड यूज़ हाई वोल्टेज हाई पावर अनकंट्रोल रेक्टिफायर सच एज थ्री फेज रेक्टिफायर। ओके, सो वन टाइप ऑफ दिस डायोड इज़ यूज द पीएन जंक्शन डायोड, आपने पढ़ा होगा पीएन जंक्शन डायोड। ओके, सो पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल। ओके, बीच में होता है क्या, डेप्लेशन रीजियन। ओके, सो यूज़ ऑफ अनकंट्रोल रेक्टिफायर। ओके, अनकंट्रोल मीन्स देर आर नो एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ थायरिस्टर फॉर फायरिंग एंगल। ओके, जब हम अनकंट्रोल में क्या होता है कि हम फायरिंग एंगल थायरिस्टर का चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें जो भी होता है वो एक्सेप्ट करके हम फायर कर सकते हैं और उसमें आउटपुट वोल्टेज ले सकते हैं डीसी। ओके, जब कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या होता है, तब हम एक्सटर्नली उसके फायरिंग कंट्रोल सर्किट हम यूज़ करके उसको फायर करा सकते हैं, लेकिन अनकंट्रोल रेक्टिफायर में ऑलवेज पावर डायोड ही यूज़ होगा क्योंकि लो वोल्टेज एप्लीकेशन। ओके, और हाई वोल्टेज भी हो सकता है लेकिन पीएन जंक्शन में हो सकता है। ओके, फिर आता है फ्री व्हीलिंग डायोड। जब आपने पढ़ा होगा फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होता है, फ्री व्हीलिंग डायोड क्यों यूज़ होता है, एक्रॉस में हम जोड़ते हैं लोड की एक्रॉस में। ओके, ये क्या है, आरएल लोड है, तो आरएल लोड की एक्रॉस, एक्रॉस मीन्स पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड को। ओके, फ्री व्हीलिंग डायोड एसी टू एसी कन्वर्टर, एसी टू डीसी कन्वर्टर में भी यूज़ होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ओके, सो फ्री व्हीलिंग डायोड क्यों यूज़ होता है, जब हम लोड में इंडक्टर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, फ्री व्हीलिंग डायोड थॉट टू स्टोर द एनर्जी एंड इंडक्टर लोड फ्री व्हीलिंग। ओके, सो फास्ट रिकवरी डायोड आर प्रिफर्ड फॉर अ फ्री व्हीलिंग एप्लीकेशन ड्यू टू देयर फास्ट स्विचिंग। ओके, तो फास्ट रिकवरी मीन्स उसका जो फ्री व्हीलिंग एप्लीकेशन होता है फ्री व्हीलिंग डायोड का, वो क्या करता है, फास्ट स्विचिंग करता है। ओके, फास्ट स्विचिंग करके उसका क्या करता है, इंडक्टर होती है एनर्जी स्टोर करता है, अगर ओनली रेजिस्टेंस और स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स बहुत सारी एप्लीकेशन है फ्री व्हीलिंग डायोड की। ओके, किस में यूज़ होती है, आरएल सर्किट में लोड की एक्रॉस में और रेक्टिफायर में। ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ पावर डायोड हियर कंप्लीटेड। ओके, सो यू आर ऑल स्टूडेंट एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।